अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है बेसिक फिजिक्स पर, जिसका टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट और इसका अदर नेम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स। आज के लेक्चर में हम स्केलर प्रोडक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी करेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। के प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है हमारे पास? एक्चुअली में प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी होता है, ठीक है। वी कैन मल्टीप्लाई टू और मोर वेक्टर्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट, ठीक है। हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स प्रोडक्ट, और दो टाइप्स होती हैं वेक्टर प्रोडक्ट्स की। फर्स्ट हमारे पास क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट हमें पता है स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, हम प्रीवियस लेक्चर्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास, इसका अदर नेम है डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट्स, उसका अदर नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह स्केलर प्रोडक्ट का ये लेक्चर है हमारा कंप्लीट। इससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट पर और उसकी करेक्टरिस्टिक्स पर होगा। तो स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं? वर्क और पावर, ठीक है। वर्क हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, पावर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट है, और जो आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट हैं उसकी एग्जाम्पल्स में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम है। इसकी इन एग्जाम्पल्स को हम किस तरह से राइट कर सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, वो भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिजल्ट्स इनटू अ स्केलर क्वांटिटी देन दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, जब हम करते हैं दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आए, उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और अदर नेम इसका डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लीकेशन के जगह पे डॉट यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंपली इसकी अदर डेफिनेशन भी हम कर सकते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें एंड वी गेट अ स्केलर क्वांटिटी, और हमें क्या हासिल हो? एक स्केलर क्वांटिटी, देन दिस मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, या फिर हम इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। कि जो हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर हमें स्केलर क्वांटिटी मिले, इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। एग्जांपल्स इसकी क्या हैं? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल इसकी हमारे पास है वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी। एफ एंड डी हमारे पास क्या है? एफ हमारे पास फोर्स है, एक वेक्टर है। डी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरोहेड हमें बता रहा है कि ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। अब हमने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़े ना, स्केलर प्रोडक्ट, तो इसकी डेफिनेशन में दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हैं? दो वेक्टर्स हैं। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, जिसको हमने यहाँ पर W से डिनोट किया है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर एरोहेड नहीं लगाए, ठीक है। तो ये इस फार्मूले से भी आप इसको याद कर सकते हैं, F डॉट D। सेकंड आपके पास ये देखिए, वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट, ये आपके पास स्केलर है वर्क ऑफ F एंड D। तो F एंड D को किस तरह से लिखेंगे? डॉट के साथ, F डॉट D, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास जब हम डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं कोज ऑफ थीटा से, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं एफ डी कोज ऑफ थीटा। इसी तरह से जब हम वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम जो क्रॉस का साइन होता है उसको साइन से रिप्लेस करते हैं। तो ये एंगल्स बनता है, ठीक है। जब आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं तो उनके दरमियान में एक एंगल जो है परपेंडिकुलर जब आप ड्रा करें या दो वेक्टर्स को लें, ठीक है, उनको हेड टू टेल रूल के ज़रिए से जो है वो
हेड टू टेल रूल के ज़रिए से एक वेक्टर्स के बाद दूसरे वेक्टर्स को लगाएं, तो आपके पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान में जब रिजल्टेंट फाइंड करना है या आपने उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है तो एक एंगल क्रिएट होगा, तो उस एंगल को हम डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में कोज ऑफ थीटा लिखते हैं। तो एफ डॉट एफ डी कोज ऑफ थीटा, ये आपके पास आ जाएगा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वर्क, ठीक है। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट लिखा है, ठीक है। यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट दोनों लिख सकते हैं। डॉट इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डॉट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही वेक्टर्स के आपके पास इसी के दो नाम है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। पावर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, अब यहाँ पे फोर्स और वेलोसिटी का जो मेरे पास फार्मूला बनता है वो पावर का बनता है, ठीक है। तो फोर्स भी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पावर के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने एफ एंड डी लिख दिया, यहाँ पे भी आप फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फोर्स एंड वेलोसिटी मैंने लिखा है, आप फोर्स एंड एफ एंड डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आप इसकी एग्जांपल में डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एफ डी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से पावर की एग्जांपल में पी इज इक्वल टू एफ डॉट वी विच इज इक्वल टू एफ वी कोस ऑफ थीटा, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और उसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है स्केलर प्रोडक्ट की, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल जो है थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताऊंगी, ठीक है, कि ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जो है वो किस तरह से इक्वल होता है, और हम डॉट जो यूज़ करते हैं, जो हम इसमें कोज ऑफ थीटा मैंने आपको कहा है कि रिप्लेस करते हैं हम डॉट को पी, जैसे ये ए डॉट बी लिखा है तो हम इसको ए बी कोज थीटा लिख सकते हैं, तो वो रिप्लेस किस तरह से करते हैं, वो एक्चुअली में प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करवाती हूँ कि जब हमारे पास ए डॉट बी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं, ए डॉट बी वाले को मैं लिखने लगी हूँ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू ए बी, ए बी कोज ऑफ थीटा, ए बी कोज ऑफ थीटा, कोज ऑफ थीटा। अब ये किस तरह से आपके पास आएगा, जब हम दो वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब आपके पास लेट सपोज ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और ये आपके पास है वेक्टर, यहाँ पर आपके पास कोई वेक्टर है बी, ठीक है, ये आपके पास है वेक्टर बी। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब देखें इनके दरमियान में इस प्लेन में जब दो वेक्टर्स को आप अटैच करें, यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, थीटा। तो ये आपके पास है। अब इसको लिखने का मेथड हमारे पास ऐसे होता है कि जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें, आप मतलब एक ट्रायंगल बना कर उसकी कैलकुलेशंस करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर्स आपके पास यहाँ है, यहाँ से अगर आप इसकी एक डायरेक्शन जो है वो ड्रॉ करें, एक लाइन, ठीक है, इस तरह से प्रोजेक्शन गिराए थे पर, तो ये वाला जो ए का वेक्टर है इसकी जो ये पोजीशन बनेगी, ये लेंथ, इसको हम लिख लेते हैं बी कोज ऑफ थीटा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं हम इसकी प्रोजेक्शन जो है वो बी वेक्टर्स की, प्रोजेक्शन ए पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, यानी कि हम बी से ए पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये वाली जो हमारे पास इतनी टर्म्स आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक इस प्रोजेक्शन तक, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, बी कोस ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स, इसके कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है, बी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा बी कोस ऑफ थीटा। नेक्स्ट आपके पास, अब इसी तरह से
ये जब हम लिखते हैं ए बी कोज ऑफ थीटा, अब ये हमारे पास ए डॉट बी का मतलब कि बी की हमने ए हमारे पास, तो हम इसको लिखते हैं ए, यानी कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, जस्ट बी कोज ऑफ थीटा लिख रही हूँ और आपका मैं अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, ठीक है, बोल के कि इसका क्या मतलब है। बी कोज ऑफ थीटा इसका मतलब है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी कि बी की प्रोजेक्शन हमने क्या किया है, ए पे ड्रॉ किया है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको, तो इसको हम वर्डिंग में लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंस आता है, जब हम बी डॉट ए लिखते हैं तो ये इसके ऑपोजिट चला जाता है, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर इस वाले को हम लिखें तो क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अब क्या आएगा यहाँ पे ए कोज ऑफ थीटा, ठीक है। तो ए कोज ऑफ थीटा का क्या मतलब है कि आप ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे किस पर, बी पर। पहले हमने क्या किया, बी की प्रोजेक्शन ए पर, अब हम क्या करेंगे इसमें ए की प्रोजेक्शन बी पर, यानी कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास क्या है वेक्टर बी, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होगी, ये कम कर ले। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, बी की तरफ। अब ये वाला जो आपका पोर्शन होगा ये आपके पास आ जाएगा ए कोज ऑफ थीटा, और विच इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स बी, इसको कहते हैं, ठीक है। ए का कंपोनेंट बन गया ये बी वाले वेक्टर में, तो इसको हम ए ऑफ एक्स भी लिखते हैं, जैसे बी ऑफ एक्स लिखा था इसको हम ए ऑफ एक्स लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि ए की हमने बी के ऊपर क्या की है, प्रोजेक्शन ड्रॉ की है। तो ये आपके पास एंगल थीटा यहाँ पे भी बनेगा, सो इसको रेज कर लें तो लास्ट लाइन में, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एंगल थीटा, इसलिए ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना था कि हम इसको अदर वर्ड्स में अगर आपको एग्जाम्स में या वैसे पूछ लिया जाए कि आप ये दो वेक्टर्स को ड्रॉ करें जिसमें आपने प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी पे ड्रॉ करनी है, या कोई भी नेम वेक्टर्स का हो सकता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट मैंने ए और बी यूज़ किया है, सी डॉट डी भी प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, डी डॉट ए, कोई भी वेक्टर्स अगर आपको दो गिवन हैं उन्होंने लिखा है ए डॉट बी, आप ड्रॉ करके बताएँ के डी की प्रोजेक्शन ए पर क्या आएगी, ठीक है। तो फिर आपने अगर ए डॉट डी है तो आपने इस तरह से वेक्टर्स की जो है वो ड्रॉ करके बताना है कि किस तरह से आप ए से बी पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उस साइड पे आपने उसका लिख देना है कि ये प्रोजेक्शन ड्रॉ की, जैसे इस साइड पे ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक इक्वल ए कोस ऑफ थीटा है, ये वाली बी, तो ये आप लिखेंगे, इससे पता चल जाएगा कि आप बी से ए पर ड्रॉ कर रहे हैं या फिर ए से बी पर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये है प्रोजेक्शन और मैग्नीट्यूड, एक्चुअली में ए और बी मैग्नीट्यूड्स हैं, वेक्टर्स नहीं हैं, इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास है वो कम्यूटेटिव है, कि जो आप ए डॉट बी का आंसर आएगा, ए बी कोस थीटा बन जाता है, इसमें भी बी है मैग्नीट्यूड, तो ये बी ए कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। तो आपके पास दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, वेक्टर्स नहीं हैं, इसलिए आप ए को पहले लिख लें या बी को पहले लिख लें तो आपके पास डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर जब भी आप न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करें या इस तरह से करके देखें तो आपके पास ए बी कोज ऑफ थीटा विच इज़ इक्वल टू ए बी कोज ऑफ थीटा के आंसर आएगा। तो इसलिए जो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू बी डॉट ए। आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये जो हम लिखते हैं ना, मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड हम सिंपली लिखते हैं,
कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा है तो उसका मतलब कि वो उसकी मैग्नीट्यूड है, या तो मॉड के अंदर भी उसको आप लिख सकते हैं या फिर सिंपली आप ए बी किसी भी अल्फ़ाबेट से लिख सकते हैं। लेकिन अगर जो स्केलर होते हैं हम उसको इसी तरह से मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो वैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर आप एरो हेड लगाते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हमारे पास वैक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए जब मैग्नीट्यूड है ए बी है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लें या बी ए को, यानी कि टू आपके पास ही है बी भी टू है तो टू वन टू टू आर टू कर लें या टू टू आर टू, इस तरह से आप दोनों को मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास सेम आए। तो इस तरह से हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है यानी कि जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है वो हमारे पास इक्वल होती है, कम्यूटेटिव होता है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो चेंज इन द रिजल्ट, के रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आती। When the order of vectors is changed, order of vectors is changed, order of vectors का मतलब कि आप ए बी लिख रहे हैं या फिर उसको चेंज कर रहे हैं, पहले बी और बाद में ए लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी सिंपल एग्जांपल मैंने आपको, कोई भी मल्टीप्लीकेशन आप कर लें, ठीक है, थ्री टू आर सिक्स या टू थ्री आर सिक्स, ठीक है, आप इस तरह से लिख रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास ए वैक्टर्स टू है और बी वैक्टर आपके पास डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं थ्री है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू b को पहले लिख लें थ्री डॉट टू, तो आपके पास दोनों का आंसर क्या आएगा, टू थ्री आर सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू सिक्स। तो इसका मतलब है नो चेंज इन द रिजल्ट, इट मीन्स दैट देयर इज़ नो चेंज इन द रिजल्ट व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज चेंज, कि ऑर्डर हमने चेंज कर दिया वेक्टर्स का तो फिर भी उसमें चेंज नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसका मतलब है कि ये क्या है हमारे पास, कम्यूटेटिव है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सेकंड इसकी करेक्टरिस्टिक्स है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो, कि अगर आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब इसका क्या मतलब है, दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू ज़ीरो आंसर आए, उसका आपके पास ये मतलब है कि जब भी आप परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 का एंगल बनता है, दो वेक्टर्स को आपने इस तरह से ड्रा करना है कि उनके दरमियान में एंगल जो है वो 90, यानी कि एक वेक्टर आपके पास ये है ए, तो जो सेकेंड वैक्टर होगा वो 90 की डिग्री, यानी कि इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। सेकेंड अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री, आप प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं जिसको आप छोटी क्लासेस में डी भी बोलते हैं, तो वहाँ से जब आप एंगल मेजर करते हैं तो आप देखते हैं इस साइड पे भी लाइंस लगी होती हैं, ठीक है, इस साइड पे भी एंगल्स होते हैं इस तरह से डिफरेंट, और इस साइड पे भी एंगल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर में एक एंगल होता है जिसके ऊपर 90 लिखा होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इसका मतलब होता है कि एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एक वेक्टर आपके पास ये वाला है, ठीक है, इसको हमने सपोज किया ये ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है वो परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो दूसरा एंगल ये है आपके पास, दूसरा वेक्टर बी, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब इनके दरमियान एंगल जो है वो 90। अब इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखें कि ए डॉट बी का मतलब है ए बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से ओपन करते हैं ए बी कोस ऑफ थीटा, ये भी मैंने आपको बता दिया कोस थीटा किस तरह से आता है कि हम प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, थीटा कितना होगा 90 डिग्री होगा जब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, तो ए बी कोस ऑफ 90 आप लिखें तो आप ये कैलकुलेटर पर इसकी कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं कि 90 हमारे पास कब आता है, कोस 90 की क्या वैल्यू है, कैलकुलेटर पे आप कोस का फंक्शन जो है की प्रेस करें उसको और नेक्स्ट आगे 90 लिखें, इक्वल का साइन प्रेस करेंगे तो आपके पास जीरो के इक्वल आंसर आ जाएंगे, यानी कि कोस 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो। तो जब इस पोर्शन की आपके पास वैल्यू क्या है, ज़ीरो आ गई, तो ज़ीरो का जब हम ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या है, ज़ीरो आ जाएगा। जब भी हम ज़ीरो से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो कर देती है उसको, तो इसलिए हमारे पास ए डॉट बी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का तो वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो। अब देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की जब बात होगी तो आपको अगर परपेंडिकुलर का मीनिंग माइंड में है कि 90 का एंगल बन रहा है, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में हम कोस यूज़ करते हैं, तो आप फौरन से कोस 90 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए डॉट बी जो है इक्वल टू ज़ीरो किस तरह से आता है।
थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि जब दो प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट हम लेते हैं पैरेलल वेक्टर्स का, तो वो हमारे पास क्या है, इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड क्या आता है। अब वो किस तरह से पैरेलल होंगे, कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक वेक्टर है, उसी के पैरेलल दूसरा चल रहा है, ठीक है। अगर दो स्टूडेंट्स जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम साइड पे, अब ये एक स्टूडेंट है ए है आपके पास, लेट्स सपोज ये सेकंड स्टूडेंट बी, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, तो इट्स मीन के वो एक दूसरे के साथ क्या है, एंगल लिखना, ठीक है। दोनों अपनी अपनी सेम डायरेक्शन में लेकिन एक ही साइड पे चलते जा रहे हैं, तो इनके दरमियान में यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा। जब कोई एंगल नहीं बनता, इट्स मीन के वहाँ पर जीरो डिग्री एंगल है। तो जब भी हम पैरेलल की बात करते हैं, जैसे मैंने परपेंडिकुलर का बताया कि 90 डिग्री एंगल है, इसी तरह से जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो एंगल हमारे पास क्या होगा, जीरो। तो अब ए डॉट बी विच इज इक्वल टू ए बी किस तरह से आएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। ए बी किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए बी कोस ऑफ थीटा। तो पैरेलल हैं, इट्स मीन के एंगल क्या है, जीरो डिग्री, तो ए बी कोस जीरो। अब जब कोस जीरो की वैल्यू आप कैलकुलेटर पर फाइंड करेंगे तो वो कोस जीरो किसके इक्वल होता है, कोस जीरो होता है वन के इक्वल, ठीक है, वन के इक्वल। ये आप कैलकुलेटर पर करके आप इसको इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास कोस जीरो जो है वो वन वैल्यू है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जब वन आ जाएगा तो वन को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल टू ए बी ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसकी एक्सप्लेनेशन है थर्ड आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स है स्केलर प्रोडक्ट के। जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तो उनका प्रोडक्ट उसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड ये होती है, यानी कि आप उसका वेक्टर्स फॉर्म में नहीं लिखते, जस्ट मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसी की सेकेंड आप देख लें, फोर्थ आप करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं या उसी का सेकेंड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स का, वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। पहले हमने बात की पैरेलल की, अब हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल। तो जो एंटी पैरेलल होते हैं, कि अगर एक वेक्टर आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर जो है आपके पास इस डायरेक्शन में, ये सेम पॉइंट है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है बी, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल बनता है, ये देखिए, ये इसका अगर सेंटर पॉइंट है तो यहाँ पर जो एंगल आपके पास बनेगा वो 180 होगा, ठीक है। आप प्रोटेक्टर बी पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि सेंटर में यहाँ पर 90 एंगल होता है, तो 90 प्लस 90 180, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, और सेकंड आप इस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं कि एक वेक्टर इस साइड पे जा रहा है, दूसरा उस साइड पे, तो दोनों के दरमियाने पॉइंट जो मेन पोजीशन, उस पर एंगल कितना बनेगा आपका, 180। तो इसी तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन है, जब आप एंगल 180 पुट करेंगे, आपके पास ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा के। तो जब एंटी पैरेलल की बात करेंगे, एंटी का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो कोस 180 की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें तो वो -1 होती है, ठीक है। -1 को जब ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -AB। यानी कि यहाँ पर जो हमने बात की कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हमारे पास दो होंगे, उनका प्रोडक्ट लें तो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये नेगेटिव मैग्नीट्यूड के इक्वल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है ना, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से ये आपकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक का सेकेंड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ वेक्टर्स ए एंड विद इट्स सेल्फ। सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, एक ही वेक्टर की बात कर रहे हैं, सेल्फ का मतलब खुद ही उस वेक्टर का उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। विद इट सेल्फ इज इक्वल टू स्केयर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो वो उसके स्केयर के इक्वल होगा, यानी कि ए को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्केयर हो जाएगा, उसका डबल बनेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ए स्केयर आपके पास कैसे आएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन,
यहाँ पर आप देखें ए स्क्वायर के इक्वल किस तरह से आएगा कि जब आपके पास उसी वेक्टर का उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए इंटू ए कोज ऑफ थीटा, ठीक है, कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पर थीटा के वैल्यू क्या होगी, जब उस वेक्टर का उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो एंगल हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एंगल क्या क्या होगा, इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि यहाँ पर कोस ज़ीरो की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोस ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो कोस ज़ीरो की वैल्यू लें तो वो आपके पास इक्वल टू वन आ जाती है, तो यानी कि ए इंटू ए ए स्क्वायर इंटू वन विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन है कि सेल्फ प्रोडक्ट जब हम लेते हैं उसी वेक्टर का उसी के साथ तो फिर भी कोई एंगल नहीं बनता, ठीक है, वहाँ पे भी क्या है, एंगल ज़ीरो होगा, तो कोस ज़ीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन के, ठीक है। तो इसलिए सेल्फ प्रोडक्ट में हम लेंगे उस वेक्टर का उसके साथ लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड है तो उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इट सेल्फ इज इक्वल टू वन। इसी तरह से जब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं किसी यूनिट वेक्टर का, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कस किया था और प्लेन में हमने बताया था कि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम स्पेसिफाई करते हैं आई डॉट से, आई से, ठीक है, जे से हम वाई डायरेक्शन को और के को हम जी को के डायरेक्शन। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम यूनिट उसी वेक्टर वन के इक्वल, ठीक है, i डॉट i इक्वल टू j डॉट j, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं कि i डॉट i इज़ इक्वल टू वन, ठीक है, i डॉट i, अब इसके ऊपर कैप शोर, ठीक है, अब कैप का क्या मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, इस तरह से सिंपल आप थ्री को सेपरेट भी लिख सकते हैं, j डॉट j इक्वल टू वन, k डॉट k इक्वल टू वन, अब तीनों की वैल्यू यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं यूनिट वेक्टर का उसके साथ तो वो इक्वल टू वन ही आता है, वो इक्वल टू वन, ठीक है। तो अब यूनिट की बात है ना, तो यूनिट हम वन उसी वेक्टर का उसके साथ, अब ये जो है आपके पास डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर को हम हेड से शो करते हैं, ठीक है, ये वाला जो हेड ऊपर लगा है तो ये लगाना आपको यहाँ पे ज़रूरी है, ये डिनोट करता है यूनिट वेक्टर्स को, ठीक है, यूनिटी को, अगर वैक्टर होगा तो एरो हेड यूज़ करेंगे, यूनिट वैक्टर है तो आप ये हेड यूज़ करते हैं उसके ऊपर, तो ये आपके पास आ जाता है आई डॉट आई इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के विच इज़ इक्वल टू वन, तो ये आपके पास है यूनिट वेक्टर का उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट। अब इक्वल टू वन ये किस तरह से आता है कि आप ये देखें उस वेक्टर का उसके साथ, जैसे लास्ट टाइम अभी हमने देखा ए ए कोज ओ थीटा, तो कोज का एंगल क्या बन जाएगा उसी वेक्टर का उसके साथ, ज़ीरो, तो कोज ज़ीरो इक्वल टू वन, तो इस तरह से जो आपके पास यूनिट वेक्टर होता है वो भी वन के इक्वल होता है, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन इंटू मल्टीप्लाई बाय वन, यानी कि ये कोस ज़ीरो भी आपके पास वन बन गया है, यूनिट वेक्टर का मतलब है कि आपके पास उसकी वैल्यू क्या है, वन, तो ये वन इंटू वन आपके पास आई की वैल्यू आ गई, दूसरे सेकंड आई की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वन, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन इंटू मल्टीप्लाई बाय वन विच इज़ इक्वल टू वन, ठीक है। इस तरह से जे डॉट जे जे की वैल्यू वन होगी, यूनिट वेक्टर की बात करें इसका मतलब उसकी एक वैल्यू है, सेकेंड जे की वैल्यू वन, वन डॉट वन वन, वन को मल्टीप्लाई करें वन के साथ आंसर क्या आएगा, वन, तो इन दोनों के दरमियान में एंगल क्या बनेगा, ज़ीरो, तो कोस ज़ीरो इक्वल टू वन, तो इस तरह से यूनिट वेक्टर आपके पास क्या आएगा, जैसे हमने सेल्फ प्रोडक्ट लिया ए ए कोस थीटा, इसी तरह से आई आई की जगह पे आपके पास यूनिट वेक्टर है तो वन वन आ जाएगा, तो वन डॉट वन कोस ऑफ ज़ीरो वन, तो ये आपके पास आ जाएगा वन के इक्वल, ठीक है। द म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट लें यूनिट वेक्टर का फिर वो आंसर क्या है, ज़ीरो आता है, वो किस तरह से, म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट यानी कि ये आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म में, एक वेक्टर आपके पास ये है आई और सेकंड आप उसका जे के साथ ले रहे हैं तो एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री, तो कोस 90 ज़ीरो होता है, ठीक है, तो ये आपके पास
आई डॉट जे या जे डॉट के ले लें, के डॉट आई ले लें, तो ये म्यूचुअल एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, आई डॉट जे, यानी कि आई जे कोज ओ 90। तो कोज 90 आपके पास किसके इक्वल आता है, ज़ीरो। तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी आपके पास, ज़ीरो। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास थी फोर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो है इसकी फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स, स्केलर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म हम किस तरह से लिख सकते हैं। आपके पास कोई एक वेक्टर ए है, उसको आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एक्स आई जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कंपोनेंट फॉर्म में। ए एक्स मीन एक्स डायरेक्शन में है, थ्री आपके पास थ्री डायमेंशन प्लेन है, यानी कि इस तरह से है आपके पास एक्स, ये वाई, ये आपके पास जेड, ये आपके पास प्लेन है एक्स डायरेक्शन में, ये आपके पास है वाई डायरेक्शन में, ये आपके पास है जेड डायरेक्शन। अब इसके जो कंपोनेंट्स लिखेंगे, अगर एक आपके पास वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आपने लिखने हैं, तो एक्स डायरेक्शन में ए एक्स बनेगा, ठीक है, वाई डायरेक्शन में ए वाई, और जेड डायरेक्शन में ई जेड। तो ये के जे और आई है उसकी डायरेक्शंस को शो करें, इंडिकेट करें, यानी कि हमने बताया था डेफिनेशन में यूनिट वेक्टर की कि यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो ये आपके पास साथ में यूनिट वेक्टर लिखेंगे। इसी तरह से बी को कंपोनेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, यानी कि उसके पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, एक्स वाई जेड तीन पार्ट्स बना देते हैं एक वेक्टर से, तो बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। तो इस तरह से ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, इनका अब हमने क्या करना है, कंपोनेंट फॉर्म में प्रोडक्ट लेना है, स्केलर प्रोडक्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस, सॉरी यहाँ पे क्रॉस लिखनी है, यहाँ पे आप ए क्रॉस बी नहीं बोलेंगे, आप ए डॉट बी बोलेंगे, ठीक है, ए डॉट बी। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, पहले आप ए की टर्म पूरी लिख लें और साथ में आप डॉट बी की टर्म पूरी लिख लें, ठीक है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म, ये आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। अब फर्स्ट टर्म को हम बी के वेक्टर्स के तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए एक्स आई को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स आई से, ठीक है, फिर हम ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई जे से, इसी तरह से थर्ड में हम ए एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे बी जी के से, यानी कि ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसको पहले फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी को हम सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसी को हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखें, ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स आ गया, यहाँ पे भी आई था और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, आई। तो आई को जब आई से, आई भी तो मल्टीप्लाई होगा ना साथ में, यूनिट वेक्टर है, तो आई डॉट आई प्लस, इसी तरह से फिर ए एक्स को हमने सेकेंड टर्म के साथ किया, ए एक्स और बी वाई, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, जे है, तो ये क्या आ जाएगा, आई डॉट जे। इसी तरह से हमने ए एक्स को फिर थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए एक्स और बी जी आई डॉट के, प्लस इसी तरह से फिर हम सेकंड टर्म जो आपके पास ए वाई है, इसको आप तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बी वेक्टर्स की, फिर ए जी को आप तीनों वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखें ए वाई को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले बी एक्स के साथ, ए वाई बी एक्स, यहाँ पे आपके पास जे है, जे डॉट आई आ जाएगा, इसी तरह से फिर ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस फिर ए वाई बी जी जे डॉट के, ठीक है, ये जे है, यहाँ पे के है, इस तरह से प्लस, फिर थर्ड जो आपके पास ए की टर्म है ए जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म्स के साथ, तो वो क्या आ जाएगा, ए जी बी एक्स के डॉट आई, यहाँ पे के है, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए जी बी वाई के डॉट जे प्लस ए जी बी जी के डॉट के। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर्स का, यूनिट वेक्टर के साथ वो इक्वल टू वन होता है, ठीक है,
लेकिन जो म्यूचुअली होता है यानी कि जिसमें कोस 90 डिग्री आपके पास आ जाता है वो इक्वल टू जीरो होगा। अब जितनी भी यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स होंगी यूनिट वेक्टर्स की जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी यानी कि म्यूचुअली होंगी दोनों वेक्टर्स, वो सारी जीरो हो जाएंगी और जो आई डॉट आई वाली है जे डॉट जे वाली वो आपके पास इक्वल टू वन आएगी, यानी कि यहाँ पे वन वैल्यू पुट करेंगे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये टर्म आपके पास फर्स्ट आई डॉट आई, ये वाली टर्म आपके पास ए वाई बी वाई जे डॉट जे और लास्ट वाली टर्म ए जी बी जी के डॉट के, ये सारी क्या हैं यहाँ पे वन आप पुट कर देंगे। जब वन पुट करेंगे तो ये इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स बी एक्स ही रह जाएगा, ये वाली सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे जीरो, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये हमारे पास जीरो टर्म्स बन जाएंगी। किस तरह से जीरो बनेंगी, आई डॉट जे यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कोस 90, तो कोस 90 इक्वल टू जीरो इस टर्म को कर देगा, ठीक है कोस ऑफ 90। इसी तरह से ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास जीरो, ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी आपके पास जीरो। हमने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा है यूनिट फैक्टर में, यूनिट का हमने सेल्फ प्रोडक्ट में लिया है कि यूनिट वेक्टर्स का यूनिट के साथ लें तो आपके पास किस तरह से वो वन के इक्वल आता है और जीरो के इक्वल। इसी तरह से ये जितनी भी सारी डिफरेंट टर्म्स हैं वो आपके पास जीरो हो जाएंगी, और जीरो का जब हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्वांटिटी जीरो हो जाती है। अब ये वाली सारी टर्म्स जीरो हो जाएंगी, हमारे पास कौन सी रह जाएगी फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म, ठीक है। अब हम इन तीनों टर्म्स को लिख लेंगे क्योंकि बाकी सारी हमारे पास क्या हो गई हैं जीरो, तो इन तीनों टर्म्स को लिख के हमारे पास क्या आंसर आएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए एक्स बी एक्स वन, ये सारी टर्म जीरो होगी, मैंने साथ में जीरो लिख दिया, ये वाली टर्म्स वन के इक्वल है, ये वाली टर्म और ये वाली, इनको जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा, वही टर्म्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। अब यहाँ से आपको एक और पॉइंट मिल सकता है स्केलर प्रोडक्ट में कि अगर आपको मैं दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करने के लिए दूँ तो आप सिंपली सबको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप जस्ट आई डॉट आई वाले को मल्टीप्लाई कर लें, जे डॉट जे वाले को और के डॉट के वाले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट है वही वन के इक्वल आता है, म्यूचुअल वालों का सबका जीरो आएगा। इसलिए जो डिफरेंट टर्म्स होंगी यानी कि ए एक्स का वाई ए बी वाई के साथ ले रहे हैं या ए एक्स का जी के साथ या ए वाई जी का, ये सारी टर्म्स जीरो हो जाती है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में। सिर्फ जो सेम टर्म्स होंगी ए वाई है तो बी वाई, ए जी तो बी जी, ये वाली सारी टर्म्स वन के इक्वल आ जाएंगी, यही हमारे पास आंसर आएगा सॉल्यूशन में ए डॉट बी का, ठीक है। ए डॉट बी वेक्टर, ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स, यानी कि उसी के अलोंग जो क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट्स होगा यानी कि एक्स के अलोंग एक्स, वाई के अलोंग वाई वाला, दूसरे वेक्टर्स का जी के अलोंग जी वाला, वही जस्ट हमारे पास सम, उसी का सम जो है वो उस प्रोडक्ट का दो स्केलर प्रोडक्ट के वेक्टर्स के इक्वल आएगा कंपोनेंट फॉर्म्स में। तो ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो लास्ट में हमारे पास कुछ रेफरेंस बुक्स, ये आपके पास थ्री रेफरेंस बुक्स हैं जहाँ से आप ये टॉपिक्स जो है वो सर्च कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आज का ये लेक्चर जो है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है स्केलर प्रोडक्ट को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी कोई पॉइंट आपको क्लियर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ईच और एवरी पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा इस लेक्चर का कि वेक्टर्स स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।